गर्मियों में डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, इससे बचने के लिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ हम जानेंगे डिहाइड्रेशन के लक्षण और इससे बचने के तरीके। तो आइए डिहाइड्रेशन के लक्षण के बारे में जानते हैं। अधिक प्यास लगना, मुंह और गला सूखना, बहुत अधिक येलो यूरिन होना, शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होना, सिर चकराना और संतुलन बिगड़ना, त्वचा शुष्क और बेजान हो जाना, दिल की धड़कन तेज होना, मांसपेशियों में ऐठन और दर्द। आप इन उपायों को कर डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पिए। गर्मी में बाहर निकलते समय हमेशा पानी की बोतल साथ रखें। पानी के अलावा नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ और जूस पिए। हल्के रंग के और ढीले ढाले कपड़े पहने। सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक बाहर जाने से बचें। बाहर जाते समय छाता, टोपी या स्कार्फ का इस्तेमाल करें। ORS घोल, स्पोर्ट्स ड्रिंक या घर पर बने नमक शक्कर के घोल का सेवन करें। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन कम करें, क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं, यानी शरीर में इससे पानी की कमी हो जाती है। पानी की अधिक मात्रा वाले फल और सब्जियों जैसे तरबूज, खीरा, संतरा का सेवन करें। व्यायाम सुबह जल्दी या शाम को करें, ताकि धूप और गर्मी से बचा जा सके। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जितना हो सके ठंडे और छायादार स्थान पर रहें। ठंडे पानी से स्नान करें या शरीर पर गीला कपड़ा रखें। हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। भीषण गर्मी में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें। इन सुझावों को अपनाकर आप गर्मी में सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NPG न्यूज़।